मुस्लिम शहज़ादा है, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा जी, आज जो मैं जिस चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ वो जो रिसेंट स्कैंडल आया है पाकिस्तान सिनेमाज में, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं सिनेमा का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, मैं बहुत सारी मूवीज़ को इन्जॉय कर रहा हूँ, सिनेमा में देखना पसंद करता हूँ। तो जो भी नई मूवी और स्पेशली पाकिस्तान सिनेमा के अंदर कोई मूवी अच्छी बनती है जिसका ट्रेलर वगैरह अच्छा आता है तो मैं लाजमी देखने जा रहा हूँ। इवन मैंने एक दो रिव्यूज़ भी रिकॉर्ड किए थे, अगर आप लोगों ने देखे हो। तो जो स्कैंडल आया पिछले दिनों उसके अंदर ये था कि कुछ कपल्स थे, कुछ लोग थे जो कि मूवी एंजॉय करने बज़ाहिर तो आए थे, लेकिन वो कुछ गैर अखलाकी हरकत कर रहे थे। चूँकि उन्हें ये लगा कि मूवी देखते हुए अंधेरा तो है हॉल के अंदर, तो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और अपनी वो सारी नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर लिया जाए। तो विच इज़ क्वाइट अब्सर्ड एक्चुअली, आप एक ऐसी जगह पर आकर ये हरकतें करते हैं और आपको ये आइडिया नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। तो सिनेमा के अंदर कैमराज़ मौजूद थे और नाइट विजन कैमराज उन्हें कहते हैं, वो अंधेरे में भी आपकी शूटिंग कर रहे होते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। ऑब्वियसली जिन्होंने 100 लोगों को कैटर करना है, 200 लोगों के एक हॉल में कैटर करना है, तो वहाँ कैमराज ज़रूरी हैं डिफरेंट सिक्योरिटी रीजन्स की बेसिस के ऊपर। एनीवेज़ उन लोगों को वो इस बात से नावाकिफ़ थे कि वीडियोज़ बन रही हैं हमारी और वो अपनी ही एक्सट्रीम गैर अखलाकी हरकत में मसरूफ़ थे, जिस पर उनका कंप्लीट वो वीडियोस बनी है। और हुआ ये कि फिर कुछ स्टाफ के मेंबर्स से यूनिवर्सल सिनेमाज में ये हरकत हुई, एम्पोरियम मॉल के यूनिवर्सल सिनेमाज में। मैं अभी भी यहाँ मौजूद हूँ एम्पोरियम में, तो सोचा आप लोगों से अपने ख्याल का इजहार कर दूँ। तो उन लोगों ने इस चीज़ का इजहार नहीं, वो ख्याल नहीं किया और वो लोग ये चीज़ करते चले गए। तो हॉल में से, हॉल के जो इंतज़ामिया थी, जो स्टाफ था, कुछ लड़के थे, उन्होंने बैठ कर उन ना सिर्फ उन क्लिप्स को देखा, इन्जॉय किया, बल्कि उन क्लिप्स को रिकॉर्ड किया मोबाइल पर और फिर पब्लिकली उसको डिफरेंट चैनल से रिलीज़ कर दिया। मैं श्योर नहीं हूँ कि यूनिवर्सल सिनेमाज़ ने ये वीडियोज़ को ऑफिशियली रिलीज़ किया या नहीं, लेकिन एक चीज़ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली कन्फ्यूज़ हूँ अपने व्यूज़ देने में कि उन्होंने ये रिलीज़ किया तो अच्छा किया या बुरा किया। ठीक भी किया कि एग्जांपल सेट होगी कि लोग नेक्स्ट टाइम अगर सिनेमाज़ में आएंगे तो वो लोग इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि गेट अ रूम या गेट अ रूम यू इडियट्स, कहाँ पे आकर तुम ये चीज़ करना चाह रहे हो। एनीवेज तो कहीं तक ही तो ये अच्छा है कि एग्जांपल सेट होगी, नेक्स्ट टाइम लोग ख्याल करेंगे इस चीज़ का। और अगर और दूसरे साइड पे नहीं भी ठीक है, उन जिंदगियों का आई गेस 4 कपल्स थे और 8 लोग हैं, 8 जिंदगियां, और मैं जाने कितने कपल्स हैं, कितनी वीडियोस बनी होंगी और कितनी इधर उधर अपलोड भी हुई होंगी। तो उन सारी जिंदगियों के साथ आप खेल रहे हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन इवन अटैम्प्ट टू सुसाइड एज़ वेल, अगर उन्होंने जब वीडियोज़ देखी होंगी। तो सजेशन, अगर यूनिवर्सल सिनेमाज़ की स्टाफ तक ये बात पहुँचे और उनकी मैनेजमेंट तक बात ये पहुँचे, तो उनसे रिक्वेस्ट होगी नेक्स्ट टाइम इन चीज़ के ऊपर बड़ा चेक लगाएं और देखें कि किन लोगों के थ्रू ये आपकी वीडियोज़ रिलीज़ हुई, उनको सजा दें। और दूसरी साइड पर येस, आपको बाउंसर ज़रूर रखने चाहिए। अभी मैंने वो बैनर भी पढ़ा है, उस पर लिखा हुआ है कि हम लोगों ने रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सी, अब यूनिवर्सल सिनेमा इतना भोला नहीं बनना चाहिए उसको कि वो समझता है कि ये कंट्रोवर्सी है। डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट कपल्स, डिफरेंट वीडियोस आई हैं सामने, तो ये कोई कंट्रोवर्सी तो हो नहीं सकती। कोई एक कंट्रोवर्सी हो तो समझ में आता है, सेम डे के अंदर शोज़ हो रहे हो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंट डेज, डिफरेंट वीडियोज़, डिफरेंट कपल्स, डिफरेंट लोगों के थ्रू ये वो वीडियोज़ बनी हैं और वीडियोज़ भी आपके ही स्टाफ ने रिलीज़ किए हैं, तो कंट्रोवर्सी तो मेरा ख्याल है नहीं है पाकिस्तान सिनेमा के खिलाफ, क्योंकि रिवाइवल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है। परेहट मूवी रिसेंटली आई, अच्छा हुआ है। तो आप इतने भोले नहीं बने यूनिवर्सल सिनेमाज, बच्चे नहीं हो, ठीक है? तो ख्याल रखो इन चीज़ों का कि यार अगर रिवाइवल करना है तो इन चीज़ों को बड़ा सख्ती से देखना होगा, ठीक है? अभी नहीं अलाउड यहाँ पे ये चीज़ें, ऑब्वियसली कहीं पे भी नहीं अलाउड होंगी दुनिया में कि आप किसी जगह पे जाकर ये चीज़ें, पूरी पाकिस्तान में इस चीज़ का मजाक बनाया जा रहा है, लोग मीम्स बना रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें आपको पता है जो चीज़ वायरल हो जाती है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि जो कपल्स हैं दो, उनके लिए मैसेज ये है कि यार ये ठीक नहीं है, आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते यार,
افسوس ہوا ہے مجھے یہ ویڈیوز دیکھ کے. یو نو کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز نارمل تھی, وہ ذکر کر رہے تھے کہ آلریڈی سنیماز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے شالمی کے سنیماز کا ذکر کیا, کچھ لوگوں نے ڈفرینٹ ایریاز کے لاہور کے سنیماز کا ذکر کیا جہاں پہ چیزیں کافی عرصے سے ہو رہی ہیں, لیکن اس طرح کے برانڈ اور نام پہ یہ چیز ہونا بالکل مناسب نہیں لگی. تو آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم لوگ اس چیز کا خیال رکھیں گے. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اب آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں, آپ کا اس پہ کیا تاثر ہے, تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, تاکہ جان سکیں ہم لوگ نیکسٹ ٹائم کہ کون سا کانٹینٹ آپ کے لیے اپلوڈ کریں. تھینک یو سو مچ.